लोकसभा चुनावों के मद्देनजर हमीरपुर पुलिस ने भी कमर कस ली है और चुनावों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए रणनीति भी तैयार की गई है। चुनावों के दौरान कोई भी अप्रिय घटना ना घटे, इसके लिए जिला की सीमाओं को सील करने के अलावा नियमित रूप से चेकिंग और निगरानी रखने का खाका भी तैयार किया गया है। एसपी हमीरपुर अरिजीत सेन ने बताया कि 15 स्ट्रांग रूम जिला में तैयार किए गए हैं, तो पैरामिलिट्री फोर्स भी जिला में सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा संभालेंगी। उन्होंने कहा कि सभी थाना स्तर पर भी माइक्रो सिक्योरिटी टीमें तैयार की जा रही। उन्होंने बताया कि सभी थाना स्तर पर माइक्रो सिक्योरिटी टीम काम कर रही है। अरिजीत सेन ने बताया कि चुनावों के दौरान कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए डिप्लॉयमेंट तैयार कर हर पहलू पर मुस्तैद रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। गौरतलब है कि चुनावों को लेकर पुलिस विभाग ने मुस्तैदी बरतना शुरू कर दी है। इसके लिए अतिरिक्त पुलिस तथा आवाकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों को जिला की सीमाओं को सील करने तथा नियमित रूप से चेकिंग तथा निगरानी के निर्देश दिए गए हैं, ताकि जिला के भीतर किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को रोका जा सके। इलेक्शन कमीशन के आदेशानुसार जो हमारे चीफ इलेक्शन ऑफिसर के डायरेक्शन के अनुसार डिस्ट्रिक्ट में जो हमारे आरओ और एआरओज हैं उनके साथ हर स्तर पे मीटिंग की गई। उसी की एक मीटिंग जो है डीसी मैडम और हमने इकट्ठे डिस्कस किया, उसमें लॉ एंड ऑर्डर और किस तरह की तैयारियां हमने इलेक्शन के मद्देनज़र की है उसके बारे में चर्चा हुई। कुछ रिक्वायरमेंट जो हमको थी, कुछ रिक्वायरमेंट जो डीसी ऑफिस को हमारी तरफ से थी, उन सब के बारे में चर्चा की गई। अभी हमारे इलेक्शन के मद्देनज़र हमने आइडेंटिफाई कर रखे हैं कितने किस पोल्स और वो स्ट्रॉन्ग रूम्स ईवीएम के स्टोरेज के लिए, वो सब आइडेंटिफाई कर रखे हैं। ऐसी फ्लाइंग स्क्वाड 15 पूरे जिले में है, 3 पर थाना, और उसके अलावा एक्साइज के साथ भी हमने फ्लाइंग स्क्वाड बना रखा है जो इलिसिट लिकर या इस तरह की कोई शिकायतों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अगर कोई भी अवहेलना करता है तो उसके लिए भी हमने स्पेशल टीम गठित की है थाना लेवल पे, जो इमीडिएटली इसको एड्रेस करेंगे। इसके अलावा स्टेट वाइड सिक्योरिटी प्लान, डिस्ट्रिक्ट वाइड सिक्योरिटी प्लान जो पहले बनता था, उसके साथ साथ इस बार एक नया जो काम किया गया है वो है माइक्रो लेवल सिक्योरिटी प्लान, जो कि थाना के SHOs ने खुद बना के अपने एरियाज के लिए तैयार किया है। उसको जो उनके सुपरवाइजरी ऑफिसर या सब डिवीजन पे जो पुलिस ऑफिसर हैं या DSPs हैं, उन्होंने रिव्यू करके मेरे माध्यम से हम इलेक्शन कमीशन को भेजेंगे। तो अभी इलेक्शन के मद्देनज़र पुलिस की तैयारियां बिल्कुल पूरी है।